गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑफलाइन इंग्लिश क्लास। जैसा कि आपको पता है, अभी तक जितने भी मैंने क्लासेस अपलोड किए हैं, हमारा जो इंग्लिश का सिलेबस है दैट हैज बीन कम्प्लीटेड, ऑलमोस्ट कम्प्लीट, सब कम्प्लीट किया हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं आज आपको जितना भी हमारा लैंग्वेज वर्क है हमारे बुक का, वो मैं आपको कम्प्लीट करा दूँ। लैंग्वेज वर्क के ऊपर हम कम ध्यान देते हैं, तो आज मैं आपको लैंग्वेज वर्क स्टार्ट कराती हूँ। सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ अ प्रोज फ्रॉम सेक्शन। प्रोज सेक्शन से हमने लिया है पैकिंग। ओके, सो हेयर वी स्टार्ट। हमारा प्रोज सेक्शन में जो पैकिंग चैप्टर है, उसमें लैंग्वेज वर्क आ रहा है आपका। पहले एक पैसेज दिया गया है आपकी बुक पर, आप देखिएगा, आपके बुक पर पैसेज दिया गया है। गो थ्रू दैट पैसेज। फिर उसके नीचे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, यू हैव टू फिल दोज बाय गोइंग थ्रू दिस पैसेज। ओके, वन मैं थोड़ी रीडिंग कर लेती हूँ इस पैसेज की। पपाया इज़ द हेल्दीएस्ट फ्रूट विद अ लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ दैट इज़ लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिव। बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ कैरिकेसी फ्रूट, इट इज़ कॉमनली नोन एज पापाओ इन ऑस्ट्रेलिया एंड मामाओ इन ब्राज़ील। इन इट फर्स्ट ऑरिजिनेटेड इन साउदर्न मैक्सिको एंड नेबरिंग सेंट्रल अमेरिका, बट इज़ नाउ अवेलेबल इन एवरी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्री। जिसको हम अपनी लैंग्वेज में पपीता भी बोलते हैं, उसी का नाम पपाया है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में इसको पापाओ बोलते हैं और ब्राज़ील में इसको मामाओ बोलते हैं। तो पपाया फेवर्स डाइजेशन एज वेल एज क्योर्स स्किन इरिटेशंस एंड सनबर्न्स। यू कैन munch on it as a salad, have it cooked or boiled, or just drink it up a milkshake or juices. Modern science confirms the age-old benefits beliefs that papaya has much to contribute to the health cause. The most important of these virtues is the protein digesting enzyme in the milky juice or latex. The enzyme is similar to pepsin in its digestive action and is said to be so powerful that it can digest 200 times its own weight in protein. It assists the body in assimilating the maximum nutritional value from food to provide energy and bodybuilding materials. Papain in raw papaya makes up for the deficiency of gastric juice and fights excess of unhealthy mucus in the stomach, dyspepsia and intestinal irritation. The ripe fruit, if eaten regularly, corrects habitual constipation, bleeding piles and chronic diarrhea. The juice of papaya seeds also assists in the above mentioned ailments. Means iska fruit aur iske seeds दोनों ही हमारे लिए बहुत ही हेल्दी हैं, बहुत ही हमारे लिए हर मतलब मैक्सिमम जो ऊपर ये बीमारियां दी गई हैं इसमें, इन सब का वो इलाज करता है। द जूस यूज्ड एज कॉस्मेटिक्स रिमूव्स फ्रैकल्स और ब्राउन स्पॉट्स ड्यू टू एक्सपोजर टू सनलाइट एंड मेक्स द स्किन स्मूथ एंड डेलिकेट। द पेस्ट ऑफ पपाया सीड्स इज अप्लाइड इन स्किन डिजीज लाइक दोज कास्ड बाई रिंग वर्म। The black seeds of the papaya are highly beneficial in the treatment of cirrhosis of the liver caused by alcoholism, malnutrition, etc. A tablespoonful of its juice combined with a mint or fresh lime juice should be consumed once or twice daily for a month. The fresh juice of raw papaya mixed with honey can be applied over inflamed tonsils for diphtheria and other throat disorders. It dissolves the membrane and prevents infection from spreading. Now there are the sentences. Complete these sentences. The other names for papaya are, पहले हमने first पैरे में पढ़ा था कि इसके दो नाम और हैं, पपाओ एंड मामाओ। दो नाउ फाउंड इन एवरी ट्रॉपिकल कंट्री। पपाया फ्रूट ऑरिजिनेटेड इन, कहाँ पे ऑरिजिनेट हुआ है ये? It has been originated in southern Mexico and central America. ठीक है, one of the most important virtues of papaya is, कौन सा इसका मेन वर्च्यू है? आप जाइए
सेकेंड पैराग्राफ पे वर्चूज इसका आएगा. गो थ्रू दिस. सेकेंड पैराग्राफ में, सेकेंड नहीं, फर्स्ट पैराग्राफ में ही आपका आएगा. मॉडर्न साइंस कन्फर्म्स द एज ओल्ड. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस वर्चूज इज द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ठीक है. इरिटेशनल इंटेस्टाइनल इरिटेशन कैन बी ओवरकम. इंटेस्टाइन जो है कैन बी ओवरकम बाई यूजिंग इट्स जो द फ्राई फ्रूट, ठीक है. डिसऑर्डर्स क्योर्ड बाई पपाया आर. कौन कौन से डिजीज़ क्योर्ड होते हैं इस पपाया से? म्यूकस इन द स्टोमक, डिसपेप्सिया, इंटेस्टाइनल इरिटेशंस एंड मोर ओवर हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन, ब्लीडिंग पाइल्स एंड क्रॉनिक डहेरिया. थ्रोट डिसऑर्डर्स कैन बी क्योर्ड. एंड रिंग वॉर्म इज क्योर्ड बाई पपाया जूस, पपाया सीड्स, पपाया फ्रूट. प्रा पपाया. टिक मार्क द करेक्ट आंसर्स. ये देखिए, द अदर नेम ऑफ फॉर पपाया आर पापाओ एंड मामाओ. फिर आपका आ गया दूसरा कि इसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है. साउदर्न मैक्सिको, नेबरिंग सेंट्रल अमेरिका. तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्चूज ऑफ पपाया इज द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इन द मिल्की जूस और लेटेक्स. फोर्थ वन इज इंटेस्टाइनल इरिटेशन कैन बी ओवरकम बाई पपेन इन रा पपाया. पपेन उसमें एक मटेरियल पाया जाता है पपाया, रा पपाया में, कच्चे पपीता में. तो उससे क्या होता है, उससे हमारा इंटेस्टाइनल इरिटेशन दूर हो जाता है. डिजीज़ क्योर्ड बाय पपाया आर हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन, ब्लीडिंग पाइल्स एंड क्रोनिक डहेरिया. थ्रोट डिसऑर्डर्स कैन बी क्योर्ड विद जूस ऑफ रा पपाया मिक्स्ड विद हनी. तो रिंग वॉर्म इज कास्ड क्योर्ड बाय, सॉरी, रिंग वॉर्म इज क्योर्ड बाय पपाया सीड्स. सो इसके बाद आपका आता है इसमें मैच द वर्ड्स और फ्रेजेस इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी. आपको पहले फ्रेज वर्ड्स दिए हैं जैसे स्लेविंग, कैओस, रमेज, स्क्रैप आउट, स्टम्बल ओवर, अकम्प्लिश, अनकैनी और टू हैव और गेट इनटू अ रो. तो ये दिए हुए हैं हमारे कुछ वर्ड्स हैं और कुछ फ्रेजेस भी हैं इसमें, इनको हमने मीनिंग के साथ जोड़ना है. स्लेविंग, स्लेविंग एज यू नो मींस गुलामी करना किसी की, है ना, या बहुत मेहनत करना, ठीक है, काम करना. तो इसमें इसका मीनिंग आएगा वर्किंग हार्ड. कैओस हो गया बिल्कुल, मतलब ना असमंजस में पड़ जाना, कोई समझ ना आना कि क्या करना है. दैट इज़ कंप्लीट कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर. फिर आ गया रमेज. रमेज हो गया इधर उधर ढूंढना, ऐसे जैसे अगर आपकी कोई चीज़ घूम गई हो तो आप टायर में ऐसे सारी चीज़ें उथल पुथल खट 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 ऊपर नीचे करते हो, मतलब सारा डिस्टर्ब कर देते हो, उसको बोलते हैं रमेज. मीन सर्च फॉर समथिंग बाय मूविंग थिंग्स अराउंड हरीडली और केयरलेसली. फोर्थ वन इज स्क्रैप आउट. स्क्रैप आउट मीन्स रिमूविंग समथिंग फ्रॉम इनसाइड अनदर थिंग यूजिंग ए शार्प टूल. कुछ रिमूव करना, जैसे किसी कहीं कोई चिपक गई हो कोई चीज़, उसको फिर किसी चाकू से या किसी शार्प टूल से उसको स्क्रैच करना वहाँ से, दैट मीन्स स्क्रैप आउट. स्टम्बल ओवर हो गया गिर जाना, किसी के साथ टकरा के गिर जाना. फॉल और स्टेप ऑकवर्डली वाइल वॉकिंग. अकम्प्लिश मीन्स फिनिश सक्सेसफुली और अचीव, ठीक है. सेवन्थ वन इज अनकैनी. अनकैनी मीन्स कोई अजीबो गरीब, कुछ गलत होने की स्मेल, स्ट्रेंज, मिस्टीरियस, डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन. टू हैव और गेट इन टू अ रो, अ क्वारल और एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है. तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट लैंग्वेज वर्क कंप्लीट हो गया. इसके बाद आपका इसमें आएगा राइटिंग वर्क. ओके, आप तब तक इसको पढ़िए, इसको देखिए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो देन मैसेज मी ऑन द ग्रुप. ठीक है, या आप मैसेज पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिए. सो नेक्स्ट लैंग्वेज जो हमारा राइटिंग वर्क है उसको हम इसके बाद अपलोड करेंगे. सो टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ़.